गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग अब तक आपने क्या पढ़ा था? आपने यूकेजी तक जो पढ़ा, जो आपने यूकेजी तक जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टू डिजिट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब आपने यूकेजी तक पढ़ा था, वो हमने अब तक रिवाइज किया, ठीक है। अब हम लोग अपनी जो मैथ की बुक है, जीनियस मैथ्स जो है, वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। क्या टॉपिक है हमारा? प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स। बेटा, प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स का मतलब क्या होता है? कि वो कॉन्सेप्ट जो दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट के लिए, दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट के लिए हमें ये बताता है कि उसमें क्या डिफरेंस है। डिफरेंस कैसे? जैसे कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, ठीक है। जैसे कौन किस में ज़्यादा वेट है, किस में ज़्यादा ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। जैसे कुछ चीज़ें कम हैं, कुछ ज़्यादा हैं, तो वो उनमें डिफरेंशिएट है। जैसे एक जगह चार एप्पल रखे हुए हैं, एक जगह दो एप्पल रखे हुए हैं, ज़्यादा कौन से हैं? जो चार एप्पल हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो हम पढ़ते हैं वो किस में आता है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। किस में आता है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट। नंबर्स से पहले जो ये बताता है कि कौन सा ज़्यादा है, कौन सा कम है, या फिर कौन सा लंबा है, कौन सा छोटा है, या कौन सबसे छोटा है, ठीक है। किस में ज़्यादा वेट है, किस में कम वेट है, लाइट वेट किसका है, ठीक है। ये सारे टॉपिक हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है? प्री नंबर कॉन्सेप्ट। इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है हैवियर एंड लाइटर। क्या है? हैवियर एंड लाइटर। हैवियर मतलब जिसमें ज़्यादा वेट होता है। हैवियर का मतलब क्या होता है बेटा? जिसका वेट ज़्यादा होता है, जिसमें मोर वेट होता है, जिसमें वेट ज़्यादा होता है वो क्या होता है? हैवियर होता है, ठीक है। फिर लाइटर का मतलब क्या होता है? लाइटर का मतलब जिसमें कम वेट होता है। किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अगर हम उसे कंपेयर करें, अगर हम उसमें डिफ्रेंशिएट करें, तो जिसमें कम वेट होता है वो क्या ऑब्जेक्ट होता है? लाइटर। वो कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? लाइटर ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अपनी बुक में क्या एग्जाम्पल दिया हुआ है? अपनी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक है एलिफेंट, ठीक है, और दूसरा क्या है? ज़ेब्रा। एक है एलिफेंट, दूसरा क्या है? ज़ेब्रा। इन दोनों में से हैवियर कौन है? हैवियर मतलब जिसमें ज़्यादा वेट है। एलिफेंट और ज़ेब्रा में से ज़्यादा वेट किस में होता है? एलिफेंट में होता है, ठीक है। सो एलिफेंट क्या है? एलिफेंट हैवियर है। किस से हैवियर है? ज़ेब्रा से। हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसके कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा वेट होता है। किसके कंपैरिजन में? ज़ेब्रा के कंपैरिजन में। ज़ेब्रा के कंपैरिजन में एलिफेंट में ज़्यादा वेट होता है, तो ये हैवियर होगा, ठीक है। और ज़ेब्रा में एलिफेंट के कंपैरिजन में कम वेट होता है, तो ये लाइटर होगा। किससे लाइटर होगा? एलिफेंट से लाइटर होगा, एलिफेंट से कम वजन होगा इसमें। नीचे हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। टिक द हैवियर वन एंड क्रॉस द लाइटर वन। हमें टिक करना है जो हैवियर है और क्रॉस करना है जो लाइटर है। एग्जाम्पल में क्या है? एक है लॉयन और दूसरा क्या है? डियर। इन दोनों में हमें कंपेयर करना है कि किस में ज़्यादा वेट है और किस में कम वेट है, मतलब कौन सा ज़्यादा हैवियर है और कौन सा लाइटर है। हैवियर पे क्या करना है? टिक करना है, ठीक है। और जो लाइटर है उस पर क्या करना है? क्रॉस करना है, ठीक है। इन दोनों में से ज़्यादा वेट किस में होता है? कौन सा हैवियर होगा? इसमें लॉयन और डियर में से ज़्यादा हैवियर कौन सा होगा? लॉयन होगा, ठीक है। लॉयन होगा तो इसमें हम टिक कर देंगे, ठीक है। और इसमें लॉयन में डियर के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो डियर में क्या होगा? कम वेट होगा ना लॉयन के कंपैरिजन में, ठीक है। अगर लॉयन में ज़्यादा वेट है इन दोनों के कंपैरिजन में, तो डियर में कम वेट होगा। कम वेट होगा तो हम क्या करेंगे? यहाँ
क्रॉस कर देंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, एक है अलमीरा और एक है टेबल, एक है अलमीरा और दूसरी क्या है? टेबल। तो इन दोनों में ज़्यादा वेट किस में है? अलमीरा और टेबल में ज़्यादा वेट किस में होता है? अलमीरा में होता है, ठीक है। अपने घर पे देखना एग्जांपल में, जैसे एक अलमीरा है और एक टेबल है, उन दोनों में से ज़्यादा वेट किस में है? ज़्यादा वेट अलमीरा में होगा ना, ज़्यादा वेट अलमीरा में होता है, तो इसे हम टिक कर देंगे। और कम वेट किस में होता है? लाइटर कौन है इन दोनों में से? लाइटर टेबल है, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कलर द हैवियर वन विद रेड एंड लाइटर द वन विद ब्लू। हमें उसको तो रेड कलर से कलर करना है जिसमें ज़्यादा वेट है, मतलब जो हैवियर है, ठीक है। और उसे ब्लू कलर से करना है। कौन से को करना है ब्लू कलर से? जो लाइटर है, मतलब जिसमें कम वेट है, ठीक है। ये हमारी कलर एक्सरसाइज है, इसमें आपको कलर करना होगा, ठीक है। कौन सा कलर काम में आएगा इसमें? रेड और ब्लू। कौन सा काम आएगा? रेड और ब्लू। रेड कलर कौन से में करना है? जो हैवियर है, जिसमें ज़्यादा वेट है, ठीक है। ब्लू कलर किस में करना है? जो लाइटर है, जिसमें कम वेट है, ठीक है। देखते हैं, यहाँ एग्जांपल में है, एक है टेलीविज़न टीवी और एक है मॉनिटर। एक है टेलीविज़न टीवी और एक है मॉनिटर। इन दोनों में से ज़्यादा वेट किस में होता है? इन दोनों में से ज़्यादा वेट किस में होता है? टीवी में। टीवी में ज़्यादा वेट है, मतलब ये हैवियर है। हैवियर है तो कौन सा कलर करेंगे? हैवियर है तो रेड कलर करेंगे, ठीक है। हैवियर है तो रेड कलर करेंगे। फिर ये हैवियर है तो ये क्या होगी? लाइटर होगी। इसमें कम वेट होगा तो कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर करेंगे। कौन सा कलर करेंगे? ब्लू कलर, ठीक है। ये हो गया, इसमें आपको कलर करना है। कौन कौन सा? रेड और ब्लू। इसमें रेड करना है, इसमें ब्लू करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। एक है हमारी ऑफिशियल चेयर, ठीक है, और दूसरी है हमारी सोफ़ा चेयर, ठीक है। एक है ऑफिशियल चेयर और दूसरी क्या है? सोफ़ा चेयर, ठीक है। इन दोनों में से कम वेट किस में है? कौन सी लाइटर है? लाइटर कौन से इन दोनों में से? ऑफिशियल चेयर, ठीक है। और हैवियर कौन सी है? हैवियर मतलब ज़्यादा वेट किस में है? ज़्यादा वेट किस में है? सोफ़ा चेयर में। ज़्यादा वेट अगर सोफ़ा चेयर में है तो कौन सा कलर करेंगे? रेड कलर करेंगे। कौन सा करेंगे? रेड कलर। इसमें हम रेड करेंगे। जो लाइटर है उसमें कौन सा करेंगे? ब्लू करेंगे, ठीक है। इसमें ब्लू करेंगे। सो ये आपको कलर करने, मैंने आपको कलर बता दिए, ठीक है। अब इनमें आपको कलर करना है, बहुत अच्छे से कलर करना है बेटा, ठीक है। बहुत अच्छे से कलर करना है आपको। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉन्गर एंड शॉर्टर। लॉन्गर मतलब लंबा, ठीक है। शॉर्टर मतलब छोटा। लॉन्ग मतलब लंबा, शॉर्ट मतलब छोटा। अगर हम दो का कंपैरिजन करेंगे, अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन करेंगे, तो उसमें जो लंबा होगा उसे हम लॉन्गर कहेंगे कि ये लंबा है, ठीक है। जो रिमेनिंग होता है वो होगा शॉर्टर, ठीक है, वो होगा शॉर्टर। दो का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बड़ा वाला होगा लॉन्गर मतलब लंबा, छोटा वाला होगा शॉर्टर मतलब छोटा, ठीक है। यहाँ एग्जांपल में क्या दिया हुआ है? एक है हमारे पास लॉन्गर स्नेक, ठीक है, और दूसरा क्या है? शॉर्टर स्नेक। शॉर्टर स्नेक ये क्या है? ये लंबा है ना, किसके कंपैरिजन में लंबा है? इसके कंपैरिजन में, ठीक है। ये स्नेक लंबा है किसके कंपैरिजन में? इसके कंपैरिजन में। इसको क्या बोलेंगे? लॉन्गर। ये क्या होगा? लॉन्गर होगा, ठीक है। अगर ये लॉन्गर होगा तो ये क्या होगा? शॉर्टर।
अगर ये लॉन्गर होगा तो ये क्या होगा? शॉर्टर होगा, मतलब छोटा होगा। किसके कंपैरिजन में छोटा होगा? किसके कंपैरिजन में शॉर्ट होगा? इसके कंपैरिजन में, ठीक है। सो आप ऐसे और भी एग्जांपल देख सकते हो, अपने घर में देखते हो। जैसे आप दो ब्रदर सिस्टर हो, ठीक है, एक की हाइट लंबी है, एक की हाइट छोटी है, ठीक है। जो लंबा होगा वो आपसे क्या है? लॉन्गर है। जो छोटा है, जैसे आप हो छोटे हो अगर, तो आप क्या हो? शॉर्टर हो। किसके कंपैरिजन में? जो आपका ब्रदर या सिस्टर लंबा है उसके कंपैरिजन में आप छोटे हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं हम। एक्सरसाइज क्या है? टिक द लॉन्गर वन एंड क्रॉस द शॉर्टर वन। आपको टिक करना है जो लंबा है, ठीक है, और क्रॉस करना है जो छोटा है, ठीक है। आपको ये एक्सरसाइज अपने होमवर्क में करनी है, ठीक है। इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ। यहाँ है एक कार और एक बस। एक है कार और दूसरी क्या है? बस। बेटा बताओ, कार लंबी होती है, बस लंबी होती है? लंबी, लंबी बस होती है, ठीक है। लंबी है तो क्या होगा? क्या कहेंगे लंबी को इंग्लिश में? क्या कहेंगे? लॉन्गर। लंबी को इंग्लिश में लॉन्गर कहेंगे। लॉन्गर को क्या करना है? टिक करना है। लॉन्गर को टिक करना है। इन दोनों में से लॉन्गर क्या है? बस है, तो इसे टिक कर देंगे, ठीक है। शॉर्टर क्या है? अगर इन दोनों की कंपैरिजन में बस अगर लॉन्गर है तो शॉर्टर क्या होगी? कार। कार क्या होगी? शॉर्टर होगी, तो इसे हम क्रॉस कर देंगे। शॉर्टर होगी तो क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस कर देंगे। बाकी के ये जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है ना, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी पूछ सकते हो। ओके, बाय।